हेलो सर जी नमस्कार, मैं निर्मल सिंह धनोसिन्नतपुरा हरियाणा मंडलगढ़ से आर्मी पर्सन रिटायरमेंट। नवंबर 2019 में मेरे यूरिन में ब्लड आया था। यूरिन में ब्लड आउट के बाद मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें मेरा 6 सेंटीमीटर का ट्यूमर बताया। मैं जैसे मैं डॉक्टर श्रीवास्तव से मिला, मेरी सफल सर्जरी हुई और मेरी सर्जरी हुई 1.5 साल हो गई और आज तक मैं अपनी अपनी लाइफ जी रहा हूँ, जिसके द्वारा मैं नितिन श्रीवास्तव का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सभी को यही राय देता हूँ कि जिसके पेशाब में खून आए या कोई गांठ हो तो जल्दी तो डॉक्टर नितिन साहब के पास आके अपना इलाज कराएं और अपनी अपनी लाइफ जिए। बाद में कोई इसका इलाज संभव नहीं है। मुझे नॉर्मल लाइफ से लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा बोझ का काम करता हूँ, कोई फ्रीज नहीं है, मैं सब कुछ खाता हूँ। निर्मल एक यंग डायनेमिक पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति हैं जो कि बड़ी कम उम्र में हमारे पास पेशाब में ब्लड आने की कंप्लेंट लेकर आए थे। इस एज में आमतौर पर जो कॉमन बीमारियां जिनसे यूरिन में ब्लड आता है वो स्टोन की बीमारी होती है या इन्फेक्शन की बीमारी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने पर हमें निर्मल की किडनी में एक ट्यूमर मिला जो कि साइज में काफ़ी बड़ा था। अब यंग आदमी को मेहनत करनी होती है, रोजी रोटी कमानी होती है, तो निर्मल काफी घबरा गए। इस ट्यूमर को निकालने के लिए ऑपरेशन किया और बहुत ही सक्सेसफुली इस ट्यूमर को निकाल दिया। निर्मल जी अब कैंसर फ्री हैं। आज उनके ऑपरेशन को 2 साल हो चुके हैं। किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं करना पड़ता है, एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। अब वो अपने रोजमर्रा के काम, जो रूटीन काम है वो भी करते हैं, वजन उठाते हैं, खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि निर्मल टाइम से हमारे पास आ गए, हम उनकी जान बचा पाए। अब ये जो कैंसर है उनके लिए इतिहास है, ही इज अ कैंसर विनर और एक नॉर्मल जिंदगी व्यतीत करते हुए निर्मल मेरे पास आते हैं, एक दोस्त की तरह कई बार मिलने आते हैं।